हेलो फ्रेंड्स एक बार स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज हम बात करने वाले आई बी क्लर्क में आप इंग्लिश में कैसे अच्छा स्कोर ला सकते हैं क्योंकि आपके पास समय बहुत ही कम बचा है आठ दिसंबर से आपका पेपर होने वाला है और ऐसे में आप क्या ऐसा करेंगे जिससे कि आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हैं नो डाउट कि आप तो रीजनिंग में बहुत बेहतर कर लेंगे पॉइंट में आप बहुत बेहतर कर लेंगे लेकिन रीजनिंग की बात करें तो ट्वेंटी मिनट्स का टाइम भी तो हो गया है ट्वेंटी मिनट का टाइम भी तो बॉन्डेंसन हो गया आप रीजनिंग में तो ऐसा नहीं कि थर्टी फाइव पर थर्टी फाइव आउट ऑफ थर्टी फाइव कर लोगे हाथ थर्टी के आसपास में अटैम्प्ट कर सकते हो ठीक मान लीजिए कि पच्चीस या छब्बीस सताइस जो भी किया मान ली सताइस ही किया मैथ में अगर बात करते हैं क्वांट सेक्शन में उसमें भी आपने सत्ताईस के लिए तो सताइस सताईस दोनों अगर सेक्शन में आते तो फिफ्टी फोर मार्क्स आते हैं लेकिन आप अगर लास्ट ईयर के कट ऑफ़ की बात करेंगे तो लास्ट ईयर कट ऑफ़ आप सभी को पता होना चाहिए कि सत्तर प्लस गया था अब ऐसे में फिफ्टी फोर ही मार्क्स अभी हैं ठीक और ऐसे में आपके पास अभी और चाहिए कितना सत्तर से ऊपर लाने के लिए सोलह प्लस मार्क्स और सोलह प्लस मार्क्स कौन दिलाएगा ये इंग्लिश दिलाएगा और इंग्लिश में बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं ये क्लर्कल का एग्ज़ाम है पी लेवल का एग्ज़ाम नहीं है और ये ट्रिक शायद आपकी लाइफ बदल देगा तो जी बिल्कुल आपकी लाइफ बदल देगा अगर आप क्लर्कल जॉब अगर ले लेते हो तो आपकी लाइफ वाकई में बदल जाती है और ये सात दिन में पंद्रह मार्क्स लाने क्या सीक्रेट इसका है बिल्कुल आपको बताने वाले हैं और ट्वेंटी मार्क्स थर्टी आउट ऑफ आउट ऑफ थर्टी आप ट्वेंटी मार्क्स ला सकते हैं तो कैसे सबसे पहले कुछ चीज़ आपको प्रीवियस ईयर में ले चलते हैं प्रीवियस ईयर में देखिए रीडिंग कंप्रीसन पूछा गया था सिंगल फिलर जो था न्यू पैटर्न बेस पूछा गया था एरर डिटेक्शन पूछा गया था फ्रेज रिप्लेसमेंट पूछा गया था जो कि आप देख सकते हैं कि गोशन, दस गोशन, दस गोशन, दस गोशन, पाँच क्वेश्चन दस क्वेश्चन दस क्वेश्चन पाँच क्वेश्चन कुल थर्टी क्वेश्चन होते हैं और पिछले अगर लास्ट ईयर की बात करें थोड़े क्वेश्चन के लेवल थोड़े मॉडरेट थे कुछ डिफिकल्ट भी थे और कुछ ईजी भी थे तो ये तो रहा कि क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं ये सेक्शन होता है चार सेक्शन जहाँ से सवाल आते हैं अब यहाँ पे इंग्लिश की बात मैं करने वाला हूँ इंग्लिश में राष्ट्र की जो कट ऑफ गई थी प्रीलिम्स में प्रीलिम्स में कितना गया था नाइन पॉइंट फाइव जीरो सेक्शनल कट ऑफ ये था सेक्शनल कट ऑफ ठीक सेक्शनल कट ऑफ था ये आपका नाइन पॉइंट फाइव ज़ीरो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि नाइन पॉइंट फाइव जीरो जनरल कैटेगरी की बात हो रही है लेकिन अगर बात करें ओ बी सी एस सी एस टी की तो मात्र सिक्स पॉइंट फाइव जीरो मीन्स के लगभग आपने दस मार्क्स के अराउंड आपने ले आया तो आपका सेक्शनल कट ऑफ तो क्लियर हो गया यहाँ से तो इंग्लिश में आप बच गए आपको फेल होने के चांस नहीं अब कई बार ऐसा होता है कि आपने क्वांट अच्छे कर लिए रीजनिंग बहुत अच्छे कर लिए लेकिन इंग्लिश में अकेले रख गए यहाँ पर आपका हो गया द इन ठीक तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी इंग्लिश में थोड़े बहुत एक आध मार्क्स भी घट जाते हैं तो आपका सेक्शन कट ऑफ नहीं क्लियर होता है आपका रिजल्ट रुक जाता है तो दस नंबर के लिए करेंगे क्या तो देखिए ये वो ट्रिक है ये वो आइडियाज़ है जहाँ से आप स्कोर कर सकते हैं पार्ट ऑफ अ स्पीच पार्ट ऑफ अ स्पीच में आप सभी को पता है कि नाउन होते हैं प्रो होते हैं नाउन प्रोनाउन एग्जेक्टिव होते हैं एडवर्ब होते हैं ठीक नाउन होते हैं प्रोनाउन होते हैं एडजेक्टिव होते हैं एडवर्ब होते हैं भर्ब होते हैं प्रीपोजिशन होते हैं कंजंक्शन होते हैं इंटरजेक्शन होते हैं तो ये जो है ना प्रीपोजिशन हो गए तो ये सबसे ये जो पार्ट ऑफ स्पीच वाले वर्ड जो संग, ये जो सेक्शन है पार्ट ऑफ स्पीच वाला सेक्शन सबसे ज़्यादा जो है ना प्रोनाउन ये वाले पार्ट से सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं एरर में आपका सबसे ज़्यादा यहाँ से सवाल बनते हैं फिलर में भी कहीं ना कहीं कनेक्टर के, के रूप में काम करता है और प्रीपोजिशन ये जो प्रोनाउन और प्रिपोजिशन ये दो सेक्शन से सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं अच्छा ये आर्टिकल आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है दिखाएंगे इस वीडियो में कि आप कुछ क्वेश्चन आगे भी है ठीक है आगे कुछ क्वेश्चन में लेकर आप लोगों को समझाऊंगा कि कैसे वहाँ से आप स्कोर कर सकते हैं ठीक कैसे वहाँ से आप स्कोर कर सकते हैं और कैसे आप वहाँ से अच्छे स्कोर ला सकते हैं तो क्या ये आर्टिकल बहुत काम का चीज़ है बिल्कुल बहुत काम का चीज़ है आपको पता होना चाहिए कि आपको ग्रामर ग्रामिकल एरर में खासकर अगर क्लर्क के एग्ज़ाम किया जाए तो आपको उसमें सबसे ज़्यादा जो है क्वेश्चन इस तरह के देखने को बनता है आर्टिकल बेस, फ्रेज फ्रेजल बर्ब फ्रेजल बर्ब से रिलेटेड कनेक्ट करके आपको एरर पूछ दिया जाता है और ये तीन पार्ट करने के बाद चूँकि पार्ट ऑफ स्पीच छोटा सा सेक्शन ही काफ़ी लंबा सेक्शन है जिसमें कि आप कोशिश ये कीजिए कि नाउन प्रोनाउन और प्रिपोजेशन ये जो नाउन और प्रोनाउन और प्रिपोजेशन है तीन सेक्शन को अभी कवर कर लीजिए समय काफी कम है आर्टिकल के कुछ रूल्स हैं वो पढ़ लीजिए कहाँ लगते हैं और कहाँ नहीं लगते हैं फ्रेजल वर्ब के सौ डेढ़ सौ जो इंपॉर्टेंट फ्रेज फ्रेजल बर्व उसको कर लीजिए और एक हज़ार एर एक हज़ार एर अभी से आप डेली का सौ डेढ़ सौ दो सौ जो भी हो कर लो तो आपको बहुत से कवर बहुत से नियम बहुत से रूल्स वगैरह यहाँ से कवर हो जाएंगे ठीक अब आते हैं वो क्वेश्चन पे जहाँ पे कि ये क्वेश्चन है ठीक इस क्वेश्चन में हम देखेंगे क्या कि यहाँ पे क्वेश्चन में कहाँ कहाँ टूटी है अब देखिए यहाँ पे प्रीपोजिशन हो सकता है टूटी हो सकता है यहाँ पे ग्रामिकल एरर से टूटी हो सकता है तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं टूटी होंगे तो अब देखना है कि कहाँ कहाँ टूटी यहाँ पे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ कि माई अब देखिए ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है ठीक है ये लास्ट ईयर का जो पूछा गया क्वेश्चन है इसमें इस क्वेश्चन में, इस में था ना क्या कि आपको सारे जो है ये वाले सेक्शन ये इतना जो छोड़ दिया जाए ठीक है ये सेक्शन आपका सही था ये सेक्शन सही था कहा गया था कि इसमें अभी तक तो आपने सोचा था कि चार सेक्शन होते हैं पाँच सेक्शन होते हैं जिसमें से एक कोई ढूंढना था एरर लेकिन इसमें पाँच सेक्शन में क्या है ना कि कौन सही है बाकी सारे सेक्शन में एरर है लेकिन एक कौन सा जो है जो सही है ये तो डिफ़ॉल्ट ये सही था ये वाई डिफॉल्ट सही था इसके बाद यहाँ पे जो चार ऑप्शन देख रहे हैं ना इसमें से कौन सा गलती है मतलब कौन सही था वो ढूंढना था गलत तो आपको फाइंड करना ही ताकि आप गलत को हटाकर उसमें से सही ढूंढना है अब देखिए हार्ड इन एन अटेम्प्ट टू इंक्रीजिंग तो अटेम्प्ट टू इंक्रीजिंग यहाँ पे पहला टू और यहाँ पे इंक्रीजिंग यहाँ तो वैसे ही गलती हो गया अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो ये टू और इंक्रीजिंग का जो कनेक्शन ये गलत है अब यहाँ पर अगर आपने भर्व का रूल पढ़ा होगा इनकेटिव का अगर आपने रूल पढ़ा होगा भर्व का तो ये बिल्कुल आप कर लेंगे कि टू प्लस भी वन होता है ना टू प्लस बी वन का रूल होता है तो यहाँ पे इंक्रीजिंग ना होगी इंक्रीज होगा इंक्रीज होगा ठीक अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक एरर हो गया ये नहीं होगा द अवेलेबल पावर ओवर डैश ओवर द इंजन अब यहाँ पे पावर ओवर द इंजन नहीं यहाँ पे जो प्रीपोजिशन ये देखिए प्रीपोजिशन का खेल अब शुरू हुआ ठीक है यहाँ पे प्रीपोजिशन का खेल अब शुरू हुआ जहाँ पे आपको ये बताना है तो देखिए ये पावर के बाद यहाँ पे ओवर नहीं होकर ये गलती यहाँ पे टू होगा ये देखिए प्रिपोजिशन का खेल आ गया ना पावर टू द इंजन होता है पावर टू द इंजन इंजन की ओर पावर लगती है उसके ओवर या ऊपर में नहीं होती बट फेल द इंजन बट फेल्ड ड्यू टू फेल फेवरेबल वेदर अब देखिए ड्यू टू द फेवरेबल वेदर मीन देखिए फेवरेबल वेदर मीन्स की अनुकूल वातावरण के कारण वो फेल हो गया कभी भी सोचिए ये तो निगेटिव में है ठीक है अब सेंटेंस को निगेटिव पॉजिटिव बहुत जानना जरूरी है अगर ये निगेटिव सेंस यहाँ दे रहा है ठीक है तो ये फेवरेबल कंडीशन कभी हो ही नहीं सकता तो यहाँ अगर ये निगेटिव है तो ये ऑब्वियसली ये ये भी निगेटिव होगा तो यहाँ पर अनफेवरेबल होना चाहिए था अन फेवरेबल देख लीजिए तो ये एक चीज़ और भी इम्पॉर्टेंट है कि आप सेंटेंस को पॉजिटिव नेगेटिव भी समझना शुरू करें तो कनेक्टिविटी आपको समझ में आएगी अब यहाँ पर निगेटिव फील्ड था तो जैसे होता है आगे वाले सेंटेंस में आपको निगेटिव ही होता फेवरेबल तो होता नहीं इस लिहाज से आपका ये जो द इंजन बट फील्ड ये वाला ऑप्शन जो कि सही है मीन्स कि ये सिर्फ सही है बाकी जो चार ऑप्शन दिए गए थे एक छोड़कर जो माई ड्राइवर माई ड्राइवर डिविप द इंजन ये बाई डिफॉल्ट सही था ये एग्ज़ाम में पूछा एक क्वेश्चन था तो इसमें से ढूंढना था कौन सही बाकी सब कौन गलत है देखें तो यहाँ पे आपने प्रीपोजिशन सीखा यहाँ पे आपने पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट सीखा और यहाँ पे आपने भर का सीखा रूल्स अब आइए कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं अब यहाँ पे फ्रेजल वर्ब देखते हैं जैसे कटिंग डाउन कटिंग डाउन का मतलब होता है कट डाउन कट डाउन का मतलब क्या होता है भाई कट डाउन का मतलब होता है रिड्यूस कम करना ठीक रिड्यूस करना तो यहाँ पे देख लीजिए जब कट डाउन का आपको अगर फ्रेजल वर्ब पता होगा तो आप ऑलरेडी यहाँ पे टिक लेंगे कि रिड्यूस होगा ठीक है ये रिड्यूस होगा अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि इट वॉज पुट अप विथ अब यहाँ पे पुट अप विथ का मतलब क्या होता है पुट अप विथ का मतलब ये फ्रेजल वर्ब जिसका मतलब होता है इंडियोर इंडियोर करना या टॉलरेंस करना टॉल डेंस ठीक आगे बढ़ के देखते हैं द कमीशन एडवाइज द फिगेटिव टू टर्निंग अब यह टू टर्न इन का मतलब क्या होता है तो टू टर्न इनका मतलब सरेंडर मीन्स की सरेंडर कर देना अपने आप को हवाले कर देना आगे की गो ओवर बोर्ड गो ओवर बोर्ड मतलब इंथोसियाटिक होता है तो इंथोसिया में आप क्या करते हैं अगर अंकित अनिकेत अनिकत विलिंग टू गो वर वर गो ओवर बोर्ड फॉर रिसिविंग अ स्कॉलरशिप फॉर पर हायर एजुकेशन तो स्ट्रेच वो स्टेच करेगा अपने आपको इंथुजिया महसूस करेगा खुश महसूस करेगा ठीक आगे है कि बेल आउट। बेल आउट का मतलब होता है कि डिफिकल्ट रेस्क्यू। रेस्क्यू। रेस्क्यू मतलब कंडीशन में आप किसी को रेस्क्यू करते हैं उसको यहाँ पे पे कनेक्टर आपको जुड़े गए तो यहाँ पे फ्रेजल वर्ड अगर आपने 200 सौ दो सौ तीन सौ अगर आपने रट लिए तो यहां से ऑटोमेटिक आपको फ्रेजल बड़ा भी आपका क्लियर हो जाएगा तो गाइस कैसे लगी वीडियो हमें कमेंट करके कि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक अभी तक नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू वेरी मच